बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना और आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी किचन में मूली के पराठे। हाँ फ्रेंड्स, अभी मूली का सीज़न भी है और पराठों का भी, तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखें, ये मेरे पास तीन मूली है। इसे सबसे पहले पील करेंगे और साफ़ पानी में धोने के बाद इसे चॉपर मशीन में डालकर इसे चॉप कर लेंगे। और अब गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर 1 क्यूब्स बटर डाल देंगे। ये होममेड बटर है और इसे मेल्ट हो जाने देंगे। मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्चों को कूट लिया था। अब इसके अंदर शामिल करेंगे और 1 मिनट तक भून लेंगे। अब कद्दूकस की हुई मूली को एक कॉटन कपड़े में डाल देंगे और इसका सारा पानी दबा दबा कर निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। और फिर इसे कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर पाउडर मसालों को शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून अजवाइन और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट तक सौते करेंगे। और अब इसके अंदर खूब सारा हरा धनिया शामिल करेंगे, इसे मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर इसे साइड में रख देंगे। और मैंने गैस के ऊपर तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है और आटा वही है जो नॉर्मल रोटियां बनाते हैं। तो अब आटे से 1 लोई तोड़ेंगे और इसे बेलकर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और फिर इसके बीच में मूली का फिलिंग रखेंगे और फिर इसके किनारों को उठाकर फोल्ड करते हुए इसका एक गोला बना लेंगे। और इस तरह से 2-3 पेड़ा बनाकर पहले तैयार कर लेंगे। और अब एक पेड़ा लेंगे, सूखे आटों में डस्ट करेंगे और हल्के हाथों से बेलकर इसका गोल पराठा बना लेंगे। तो देखें, पराठे को हमने बना लिया है और तवा भी गर्म हो चुका है। तो अब इसे गर्म तवे के ऊपर डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट सिकने के बाद इसे पलट देंगे और फिर घी लगाएंगे। दूसरे साइड भी घी लगाएंगे और इसे उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन हो जाने तक सेक लेंगे। तो देखें, पराठे हमारे दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी सिक गए हैं। तो अब इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। इसे अपनी पसंद की चटनी या रायता के साथ सर्व करें। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।